वर्ड्स में. सो दिस वॉज द चैलेंजिंग क्वेश्चन इन द लास्ट टेक टॉक, जहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आप एक नंबर इनपुट करोगे यूजर से, जैसे 583, और आपको प्रिंट करना है 583. लाइक इफ यूजर ने इनपुट किया है 583, व्हाट यू हैव टू प्रिंट इज 583 फॉर दिस. ओके, सो व्हाटएवर यूजर गिव्स, हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है यूजर से, और प्रिंट जो कराना है दैट शुड बी इन वर्ड्स. ओके, सो आई हैव टू प्रिंट दिस. अब ये कैसे कर सकते हैं हम, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते थे. आई गेव यू एन ऑप्शन कि आप चाहे पाइथन में करो, सी में करो, जावा में करो, सी प्लस प्लस में करो, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, कोई भी और लैंग्वेज में कर सकते हो. बट लेट्स से वी डिस्कस द सॉल्यूशन ओवर हियर इन पाइथन फर्स्ट. सो अगर मुझे ये पाइथन में करना है, तो जितना हम अभी तक पाइथन में कर चुके हैं उसको यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ऑल्दो वी हैवंट कवर्ड एरर्स एंड ऑल इन सी एंड जावा येट, बट अभी के टाइम पे अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो पाइथन की, और अगर आपने सी या जावा की सीरीज फॉलो करी है, तो यू नो कि हमने अभी सी और जावा में एरर्स नहीं किए हैं, बट वी हैव डन लिस्ट्स इन पाइथन, एंड दैट इज द की टू दिस क्वेश्चन. सो आई हैड अ कमेंट, समबडी रोट कि हम इसको स्विच से भी कर सकते हैं. येस वी कैन डू इट, बट उससे वो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो हम इसको करेंगे एक बहुत इजी तरीके से. हम क्या करेंगे, हम कुछ लिस्ट्स यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है. लिस्ट्स अब मैं कैसे यूज करूंगी, मैंने एक लिस्ट ली नंबर्स के लिए, मैंने उसका नाम ही दे दिया नंबर. ओके, फर्स्ट पोजीशन जो होती है लिस्ट में वो जीरो होती है, तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया वहां पे. दूसरी पोजीशन होती है वन, तो मैंने वन लिख दिया. अगली पोजीशन है टू, सो एज पर द पोजीशन आई गिव द वैल्यूज. ओके, 4, 5, 6, 7, then we have 8 and 9. ठीक है, ये 9 डिजिट्स हमारे पास होते हैं. अब 5 डिजिट तक जाते हैं, पर उससे पहले एक बहुत छोटा सा काम मैं आपको करके दिखाती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर यूजर से पूछा कि नंबर एंटर करो, सो नंबर इंटीजर चाहिए, सो इंट आ गया इनपुट, और मैंने यूजर से नंबर इनपुट करवा लिया. इनपुट अ नंबर, नंबर मेरे पास n में है, एंड आई अज्यूम दैट इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर, राइट. सो अगर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ इतना लिख दूं, प्रिंट नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट में n, जस्ट दिस मच. मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लिस्ट ली है. लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो फर्स्ट ब्लैंक है, देन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 9. मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट किया, उस नंबर को इनपुट करने के बाद मैंने लिस्ट में उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करा दिया. दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस. सो वो मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मैंने प्रेस किया 5, एंड यू कैन सी द आंसर, इट्स प्रिंटिंग 5 इन वर्ड्स. ओके, ऐसे ही अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ, एंड इट विल आस्क मी फॉर अ नंबर, आई एंटर 2, सो इट प्रिंट्स 2. इफ आई रन इट, आई एंटर 9, सो इट विल प्रिंट 9. ऑब्वियसली अगर मैंने 2 डिजिट नंबर डाला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज वी हैवंट पुट अ चेक ऑन इट. So it'll print 9, और अगर 0 enter किया तो कुछ भी नहीं आएगा, blank आएगा बिल्कुल. So nothing will be printed. So this is the key to the solution. ये main logic है. बाकी आगे का logic तो अब आप build up कर ही लोगे. तो main जो criteria है कि मुझे एक digit के लिए जो number का नाम print करना है, मैं उसके लिए कोई if नहीं लगा रही हूँ, मैं उसके लिए कोई switch नहीं लगा रही हूँ. So I'm not using any of the conditional operators for that. क्योंकि मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है इस एरे से. सो अगर डिजिट 0 है, मुझे कुछ नहीं प्रिंट करना. अगर डिजिट 1 है तो 1 प्रिंट होगा, 2 है तो 2 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन अप टू 9. सो दिस इज द की टू द सॉल्यूशन. इफ यू कुड थिंक दिस वे, दैट मींस यू कैन गेट द चैलेंज सॉल्व. अगर आप इस तरीके से नहीं सोच रहे थे, तो ऑब्वियसली आप जो भी तरीका सोच रहे थे वो इससे कहीं ज्यादा लेंथी होता. Anyhow, so this is the key. Now this is working for one digit, but we have to make it work for 5 digits. ठीक है? 5 digits के लिए चलाना है तो क्या कर सकते हो? Number के 5 digits अलग-अलग कर दो. अब वो digits आपकी मर्जी है कि आप एक array में भी डलवा सकते हो, या आप 5 variables ले लो अलग-अलग, D1, D2, D3, D4, D5. क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि maximum 5 ही digit हो सकते हैं, तो मैं ले सकती हूँ D1, D2, D3, D4, D5. But अगर आप कितने भी digits के लिए कर रहे हो, सो इट्स गुड कि आप एक और लिस्ट ले लो जिसमें हम सिंगल सिंगल डिजिट निकालेंगे. दैट इज अप टू यू. अभी आपके सिंपलिसिटी के लिए लेट्स से आई एम टेकिंग सेपरेट वेरिएबल्स. ओके,
डी वन है मेरा वो डिजिट जो यूनिट्स प्लेस पे होगा. यूनिट्स प्लेस पे डिजिट जो है वो हम कैसे निकालेंगे, मेरे पास नंबर है एन में, तो डी वन में क्या आएगा, एन मॉड 10. ओके, लाइक अगर आपके पास था 8 9 5 6 5 7, लेट इट बी 8 9 6 5 7 को अगर मैं मॉड 10 करती हूँ, 10 से डिवाइड करती हूँ, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 7, विच इज योर डिजिट एट यूनिट्स प्लेस. तो वो मैंने डी वन में ले लिया. ठीक है, अब जो आपका नंबर है 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए ताकि मेरे पास सिर्फ 8 9 6 5 रह जाए. बट इससे मुझे ये स्टेटमेंट्स बार बार लिखनी पड़ेंगे, आप समझ रहे हो. जैसे मैंने ये लिखा n, और यहाँ पर क्या लिखा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10. दो बार स्लैश साइन दोगे बिकॉज इंटीजर डिविजन परफॉर्म करनी है. अगर सिंगल स्लैश दिया होगा तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, वी डोंट वांट इन पॉइंट्स. देन मैंने ये लिखा d2 इज इक्वल टू n मॉड 10. सो जब आपने ये लाइन लिखी थी n इज इक्वल टू n 2 स्लैश 10, तो इस नंबर में से 7 हट गया, मेरे पास सिर्फ 8 9 6 5 रह गया. फिर जब आप ये लिख रहे हो d2 इज इक्वल टू n मॉड 10, तो d2 में आपके पास 5 आ जाएगा. 5 आ जाएगा मतलब सेकेंड डिजिट भी आ गया. अब उसको भी नंबर से हटाना है, तो मैंने फिर से n इज इक्वल टू n अपॉन 10 किया, तो ये 5 भी हट गया, पर ये d2 में जा चुका है. एंड सेम वे मुझे ये 6 के लिए भी करना पड़ेगा, 9 के लिए भी करना पड़ेगा, 8 के लिए भी करना पड़ेगा. बट अगर मेरे को सेम स्टेटमेंट्स बार बार लिखनी पड़ रही है, तो इज इट अ गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक? Obviously not. अगर हमें ऐसे कोड कर रही हूँ तो मुझे कोई कोई अच्छा प्रोग्रामर नहीं बोलेगा इफ आई एम डूइंग लाइक दिस. इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड बट इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक एन एरे दैट इज अ लिस्ट ऑफ डिजिट्स. ओके, मैंने लिस्ट ऑफ डिजिट्स लिया और मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक नंबर जीरो से बड़ा है तब तक क्या करो, डी डॉट अपेंड. अपेंड कर देंगे, क्या अपेंड करेंगे, n mod 10 को. तो जो भी 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर आता है दैट शुड बी एडेड एंड द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 10. सो वी गेट इट लाइक दिस, और हमें इस सब की जरूरत नहीं है. सो अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपके पास जो भी डिजिट्स होंगे उसके अंदर वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, डी नाम के एरे में. तो डी जीरो पे मेरे पास जो डिजिट होगा दैट वुड बी द डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस, D1 पे जो डिजिट होगा दैट वुड बी द डिजिट एट टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000 प्लेस. इफ यू वांट टू सी हाउ इट लुक्स लाइक, सो वी कैन डेफिनेटली सी, वी कैन चेक इट हियर कि हमारे पास क्या डिजिट्स आ रहे हैं. सो मैंने यहाँ पे D को प्रिंट करा दिया, पहले इतना रन करके दिखाती हूँ आपको सो दैट आप साथ साथ देख सको कि हम किस तरह से लॉजिक बिल्डअप कर रहे हैं. सो इफ माई नंबर इज 6 7 8, आई हैव 8 7 6. ओके, क्योंकि तीन ही डिजिट्स आए थे, तो यूनिट्स प्लेस पे आपके पास 8 है, टेंस प्लेस पे 7, हंड्रेड्स प्लेस पे 6. अगर 5 डिजिट नंबर इनपुट किया होता मैंने तो मेरे पास 5 डिजिट्स आते, 6 3 4 8 7. ओके, सो वी हैव टू डू लाइक दिस. और यहीं पर हम चेक भी कर सकते हैं, चेक क्या कर सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 5. If it's greater than 5, then we're not going to solve it. हमें उससे ज़्यादा को सॉल्व करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो that can't solve for more than 5 digits. But that is up to us. हम चाहें तो कोड कर सकते हैं, but इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम 5 digits से ज़्यादा को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया. अब करना है काम आपको, अब क्या काम करना है, अब मुझे ये देखना है अगर तो लेंथ जो है वो 5 से ही ज़्यादा होती तो हम यही प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, एल्स वी हैव टू वर्क, एल्स वी हैव टू वर्क, व्हाट वी हैव टू चेक, इफ लेंथ ऑफ डी इज इक्वल टू 5, मतलब पूरे के पूरे 5 डिजिट मेरे पास है. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो फिफ्थ प्लेस पे डिजिट है उसको प्रिंट करना है, और उसके साथ जो अगला डिजिट है, जैसे अभी ये 7 8 4 3 6 था, तो मेरे पास ये जो है 7 इधर 4 पे और ये है 3 पे, तो इसका प्रिंट कराना है मुझे 78. ओके, सो आई हैव टू प्रिंट 78 ओवर हियर. हाउ डू आई पुट 78 ओवर हियर? सो इसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक और लगाते हैं और एक काम और करते हैं कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग दिस
आई चेक सम अदर कंडीशन. मैं यहाँ पे एक चेंज और कर देती हूँ कि ये डिजिट्स मुझे पता है पांच ही होने वाले हैं, तो मैं लिस्ट में 0000 पांच बार डाल देती हूँ. ठीक है, एक आई ले लेती हूँ 0, और यहाँ पे अपेंड यूज करने की जगह पर आई एम गोइंग टू राइट डी आई इज इक्वल टू एन मॉड 10 एंड आई प्लस इक्वल टू 1. इससे क्या होगा कि लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो हमेशा 5 ही रहेगी, तो मुझे ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर. रादर बिफोर यू टेक एनीथिंग, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर जो आपका नंबर है n इज ग्रेटर देन 1, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इससे बड़ा है तो वी कांट सॉल्व फॉर मोर देन 5 डिजिट्स. ठीक है, अदरवाइज हम ये सारा काम करेंगे. सो अदरवाइज हम ये सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहते हैं. सो इसमें हम एक डी ले लिया जो कि इनिशियली 0 है, आई ले लिया, फिर ये सब चेंज कर दिया, दैट इज इट. एंड इस लूप के बाहर अब अगर मैं प्रिंट कराती हूँ डी को, सो आई जस्ट सेव इट एंड रन इट हियर. सो द नंबर इज 7843. सो आप देख रहे हो 3, 4, 8, 7, 0 अपने आप आ गया. तो इसकी जो साइज है वो हमेशा 5 रहेगा, लेकिन जो डिजिट्स मिसिंग है उसकी जगह पर इट वुड शो 0. लेकिन अगर सारे डिजिट्स हैं तो सारे डिजिट्स आ जाएंगे. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक तो ये नंबर के लिए लेना था, पर अब अगर आपका डिजिट 10 स्पेस पे है तो हम प्रिंट करते हैं 20, 30, 40, तो वो कैसे प्रिंट होगा. तो मैंने एक एरे ले लिया NTY, 0 पे हम कुछ प्रिंट नहीं करते, 1 पे आपकी सीरीज ही अलग हो जाती है, 1 पे हो जाती है 10, 11, 12, 13, 14, तो वो एक अलग ही सीरीज है, तो मैं उसको भी ब्लैंक छोड़ देती हूँ. यहां से शुरू किया, अगर 2 है तो प्रिंट करना है 20, 3 है तो प्रिंट करना है 30, 4 है तो प्रिंट करना है 40, 5 है सो हैव टू प्रिंट 50, देन हैव टू प्रिंट 60, 70, 80 एंड 90. आई होप स्पेलिंग इज फाइन. 90, या ओके. सो दिस इज इट. अभी मैंने आपको बताया कि टेंस वाली सीरीज ही अलग होती है, टेंस वाली सीरीज ही अलग होती है, लेकिन प्रिंट तो करानी है. प्रिंट करानी है तो क्या प्रिंट कराना है? अगर 0 है तो 10 प्रिंट होगा, अगर 1 है तो 11 प्रिंट होगा, अगर 2 है तो 12 प्रिंट होगा, अगर 3 है तो 13 प्रिंट होगा, 14, 15, 16, 17, इतना लिखना पड़ रहा है, फॉरवर्ड, ओके, 18 एंड फाइनली यू हैव 19. ओके, सो ये लिस्ट बन गई हमारी. ठीक है, 3 हमने लिस्ट यूज करी है यहाँ पे. अब रह गया डिजिट्स के अकॉर्डिंगली प्रिंट करने वाला काम. तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, लिस्ट हमारी सब तैयार है. अब आपको ये देखना है कि इफ D, which is my array, उसमें जो फोर्थ पोजिशन पे डिजिट है अगर तो वो 0 नहीं है. ठीक है, अगर तो 0 है तो कुछ प्रिंट करना ही नहीं है, लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो आपको कुछ प्रिंट करना है. अब वो क्या प्रिंट करना है वो भी इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो 1 है या कुछ और है. तो अगर तो D4 1 है, that means you need to print a series of 10, 11, 12 and all. तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट करोगे, या प्रिंट करने से पहले हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग में पहले पूरा नंबर स्टोर करवा लेते हैं और उसके बाद उसे प्रिंट करेंगे. सो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ब्लैंक, और यहाँ पर क्या किया कि अगर ये 1 है सो num प्लस इक्वल टू, num में क्या ऐड करवाया, जो आपका टेंस वाला एरे था, टेंस वाले एरे में जो मेरा डिजिट 3 पोजिशन पे है. Because देखो, अगर आपके पास यहाँ पे नंबर इनपुट हुआ होता 16779, सो 16 के लिए मुझे 16 प्रिंट कराना है. ठीक है, ये तो 1 है, 16 प्रिंट होगा वो किससे डिसाइड हो रहा है, 6 से, उस डिजिट से जो D3 पे है. सो num प्लस इक्वल्स टू टेंस D3, सो टेंस D3 आ जाना चाहिए, तो 16 आ जाएगा अगर वहां पे 1 था तो. लेकिन अगर वहां पे 1 नहीं था, वहां पे कुछ और था, कुछ भी और था, तो क्या होना चाहिए.
तो आपको नंबर उठाना है, नंबर लाइक अभी जैसे 56 है, तो मुझे उठाना है 56. 50, 50 कहाँ से आएगा? NT5 में से, डिपेंडिंग अपॉन योर डिजिट 4 ओनली, क्योंकि अगर वो 5 है तो आपको 50 चाहिए, अगर वो 7 है तो आपको 70 चाहिए. सो व्हाटएवर यू हैव एट दैट प्लेस उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाना चाहिए 20, 30, 40, 50, व्हाटएवर. एंड देन नॉर्मल नंबर चाहिए मुझे, नॉर्मल नंबर विच शुड बी बेस्ड ऑन द डिजिट एट सेकेंड लास्ट पोजिशन, दैट्स D3. सो ये मेरा फॉर्म कर देगा जो भी पहले दो डिजिट्स होंगे, जैसे ये अगर ये 56 है तो ये बन जाएगा 56, अगर 16 था तो इससे आ जाता 16, जो भी था वो डिसाइड हो गया. ठीक है, वो डिसाइड हो गया, फाइन. ये तब हो रहा है अगर D4 जीरो नहीं था, फाइन, वी हैव गॉट द वैल्यू. बट अगर D4 जीरो था, अगर D4 जीरो था तो मैं क्या चेक करूंगी, इफ D3 इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब D4 तो जीरो था, मतलब मेरे पास पांचवा डिजिट है ही नहीं जो फिफ्थ पोजिशन वाला है. सो आई हैव D3, मतलब आपके पास यहाँ पे 56,000 नहीं है, सिर्फ 6,000 है. तो जो भी वो डिजिट है यू हैव टू प्रिंट दैट. सो इन दैट केस नम प्लस इक्वल टू, विल जस्ट हैव नंबर D3. ठीक है, सिर्फ उतना आ गया. अब इस इफ एल्स से बाहर आए यहां पर, सो मुझे इसके पीछे 1000 भी कंकैटिनेट कराना है, राइट. सो आई नीड टू प्रिंट 1000 है एट द एंड ऑफ ऑल दीस, क्योंकि मैं बाहर इसलिए नहीं करा रही हूं कि अगर मान लो दोनों ही जीरो हुए तो फिर खाली 1000 रह जाएगा, और वो खाली 1000 हमें नहीं चाहिए, हमें वो तभी चाहिए जब वो नॉन जीरो है. सो वी गिव इट लाइक दिस. सो ये पहला जो था ये 1000 वाला प्लेस डिसाइड हो गया. अब बचा आपका 100 वाला. 100 वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 100 वाला प्लेस होगा हमारे पास. सो अगर वो जीरो है देन वी डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग. सो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ D2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो नहीं है सो नंबर में कंकैटिनेट कर दो. क्या कंकैटिनेट कर दो? जो भी वो नंबर है, D2 से नंबर उठाया, सो नंबर D2 प्लस 100. सो 100 वाला भी अटैच हो गया. अब बचे लास्ट के दो डिजिट्स, जैसे ये है 79, 79 मतलब 79. तो इस पे ऑलमोस्ट सेम कंडीशन ये वाली आ जाएंगी जो हमने थाउजेंड्स के लिए लगाई थी, क्योंकि 10,000 एंड 1,000 भी दो डिजिट्स थे और यहाँ पे भी दो डिजिट्स है. सो मैंने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो मैंने चेक किया D1 अगर नॉट जीरो है, D1 अगर 1 है तो ऐड कराना है जीरो के बेसिस पे और 1,000 नहीं आएगा पीछे, अदरवाइज दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 0 और 1,000 नहीं आएगा यहाँ पर. एंड अगर D0 जीरो नहीं है तो उसको प्रिंट करा देंगे, नहीं तो उसकी जगह पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. That is it. Yeah. So hopefully it's fine. So at the end we're going to print the number. Okay. अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं. So इसको मैंने रन किया, नंबर एंटर किया 789, उसने प्रिंट किया 789. Okay. Let's execute it again. And this time I enter a complete 5-digit number. This is 67,423. अब tens वाला ट्राई करके देखते हैं. सो मैंने इनपुट किया 12,369. सो इट्स 12,369. नाउ लेट्स से आई एंटर जस्ट 80. सो इट प्रिंट्स 80. ओके, इफ यू एंटर जस्ट 6 इट विल प्रिंट 6. इफ यू एंटर 1006 so it prints 10,006. perfect. so that's how we get the result. so ये बन गया आपका प्रोग्राम जहाँ पे आप कोई भी नंबर इनपुट करो न्यूमरल्स में और वो उसे प्रिंट करेगा वर्ड्स में. so I hope you understood कि हमने किस तरह से लिस्ट को यहाँ पे यूज किया है, then कैसे हमने डिजिट्स को लिस्ट में स्टोर किया एंड फिर उन डिजिट्स पे कुछ कंडीशंस चेक करके वी हैव गॉट द नंबर. ओके, सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, बट दिस इज वे ऑप्टिमाइज्ड. अगर आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, यू हैव एनी आइडिया, गो अहेड एंड इफ यू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन डू लेट मी नो.
एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने ये कैसे किया है. इन केस आपको इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ आया, कोई पार्ट समझ नहीं आया, तो पहले तो आई वुड से कि एक दो बार गो थ्रू करो इसे खुद, वीडियो को देखो दो चार बार, आपको नहीं समझ आएगा तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द चैलेंज क्वेश्चन वन. एंड ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आई विल बी गिविंग अ चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑन एवरी टेकटॉक. सो जब भी टेकटॉक आएगा, टेकटॉक के साथ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा विच यू हैव टू सॉल्व इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. So if you liked the video, if you understood the program well and you found it useful, don't forget to click that like button. It really means a lot to me. And do leave a comment and share the video and subscribe to aap abhi tak obviously kar hi chuke hoge. That's it for now. So stay tuned and keep watching, keep learning.